हे गाइस, व्हाट्सअप सुमित दिस साइड, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द वर्क। गाइस, कुछ लोग ऐसे पूछते रहते हैं कि क्या मैं यहाँ पे काम करता हूँ। एक्चुअली देखो, मैं यहाँ पे काम नहीं, काम तो मैं करता हूँ, लेकिन ये मेरा दुकान भी मेरा ही है। शॉप जो देख रहे हो मेरा ही है। तो मैंने इसको 2013 में इसको ओपन किया था। तो बहुत सारे लोग एवरी डे मुझे कमेंट्स में मैं देखता ही रहता हूँ कि क्या कितनी सैलरी मिलती है वगैरह वगैरह। हालांकि मैं अपने सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करता नहीं हूँ, क्योंकि दुकान मेरा ही है, तो मैं ऐसे ही अभी चलाते रहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्लियर करने वाला हूँ कि एक ग्रॉसरी स्टोर, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर, मान लो कि मेरे जैसा एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर अगर आपके पास हो, तो आप कितना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से कमा सकते हो, या फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन एक ग्रॉसरी स्टोर में कितना होता है। देखो, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आप 3-4 तरीके से कमा सकते हो। तो सबसे पहला जो तरीका है वो प्रोडक्ट सेलिंग, ये आप लोगों को पता ही है। और इसके जो बेसिक जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 10-20% तक आप मान के चलो। हालांकि ज़्यादातर दुकानदार, ज़्यादातर शॉप यहाँ पे डिस्काउंट रेट पे ही चलाते हैं। अगर 10% यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो उसमें भी वो 2-5% तक डिस्काउंट देता है रिटेल बिजनेस में। तो अगर आपका पास मान लो कि किसी एक प्रोडक्ट में 20%, अभी कभी कभार ऐसा भी है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसपे 30-40-50% तक भी मार्जिन होता रहता है, तो उस पर भी नॉर्मल शॉपकीपर या फिर नॉर्मल दुकान, इंडियन दुकानदार 10-20% डिस्काउंट देते रहते हैं। और वो अपने आपस की बात है, कोई देता है कोई नहीं देता है वो अलग बात है। लेकिन आप एक ग्रॉस मार्जिन आप मान के चलो 10-20% आपको मार्जिन मिलता है, और उसको डिस्काउंट देने के बाद आप ऑन एन एवरेज 10% आप मार्जिन मान के चलो। तो ये एक पहला तरीका है ग्रॉसरी स्टोर से आपको आप इनकम जनरेट कैसे करोगे, आई मीन ग्रॉसरी स्टोर का प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा चीज़ ये है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नेस्ले का ब्रांडिंग किया हुआ है, और भी अगर रैक्स देखोगे वहाँ पे हम लोग कुछ भी सामान रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ नेस्ले का वो जो सेरेलैक्स है वो ही हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये पूरा जो आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ सेरेलैक्स नेस्ले का बेबी फूड ही रहता है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले। तो अगर आपका ग्रॉसरी स्टोर है तो आपको ग्रॉसरी स्टोर में डिस्प्ले भी मिलता है, तो ये भी एक इनकम का ही ज़रिया है। अलग अलग शॉप को बोलो, अलग अलग अमाउंट के ऊपर ये अलॉट करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो है वो 1500 रुपये है पर 3 मंथ्स, 3 महीने में हमको 1500 रुपये क्रेडिट मिलता है। तो ये भी एक इनकम की ज़रिया आप मान सकते हो। इसके जैसे बहुत सारे फूड कंपनी, जैसे कि सॉस हो गया, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उस दिन आपको दिखाया था ये रुक का जो चिली, रेड चिली मतलब पिकल कंपनी है, सॉस का कंपनी है, या फिर ज़्यादातर फूड आइटम में ही ज़्यादा होता है, वो लोग भी आपको ये से डिस्प्ले आई मीन ऑफ़र करता है। तो उसके लिए भी वो लोग मंथली 500, 300, 600, 1000 ऐसा चलता रहता है। तो आपको उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा अपने रैक में, सेल्फ में थोड़ा जगह देना पड़ता है, तो उसके बेसिस पे वो लोग आपको पेमेंट करता है, तो उसको हम लोग डिस्प्ले इनकम बोल सकते हैं। तो उससे हमारा एक छोटा मोटा डिस्प्ले इनकम भी होता है। तो ये सेकेंड ज़रिया है कि आप डिस्प्ले करके भी आप प्रोडक्ट, आई मीन आप कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके भी आप थोड़ा बहुत इनकम अर्न कर सकते हो अपने ग्रॉसरी स्टोर से। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है स्क्रैप सेलिंग। स्क्रैप सेलिंग का मतलब है जैसे कि हम लोग अभी मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, जितने भी ये कार्टून देख रहे हो, ऐसे कार्टून होता है, हम लोग एवरीडे हमारे पास मान लो कि 10-15-20 कार्टून जमा हो जाता है। तो आपके सेल पे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कार्टून आपके पास जमा होता है। कार्टून हो गया, बॉक्स हो गया, उसके बाद टीन हो गया, वो जो तेल का टीन आता है वो हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे बैग हो गया, चीनी का बैग हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ों का बैग हो गया। ये जितने भी स्क्रैप होगा वो सेल करके भी आपको थोड़ा बहुत मंथली आप मान के चलो 1000-1500 वहीं से आपको निकलेगा। तो वो भी एक आपका एक छोटा मोटा इनकम की ज़रिया है। तो थर्ड चीज़ मैंने आपको बता दिया, लेकिन फोर्थ जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मैं मानता हूँ, वो है स्कीम। आप जो भी चाहे सेल कर रहे हो, जैसे नॉर्मल दुकानदार सेल करता है आप भी वो सेल करते हो, नॉर्मल दुकानदार आपको वो कस्टमर को डिस्काउंट देता है आप भी देते हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका सेल थोड़ा भी ज़्यादा है तो कंपनी आपको स्कीम, आई मीन कंपनी से आप स्कीम भी उठा सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर आपको बोलता है कि आप एक पेटी
ऑयल पे जितना रेट है उससे अगर आप 3 पेटी 4 पेटी लोगे तो उस पर आपको 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा स्कीम मिलेगा, वो सारा स्कीम आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। आई मीन होता है, स्कीम ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो आप जो भी सामान उठा रहे हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर से उठा रहे हो, जो भी होलसेलर से उठा रहे हो, उससे आपके पूछो कि स्कीम क्या है। लेकिन इससे भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपका सेल ज़्यादा नहीं है, आप स्कीमों के लालच पे आप सामान उठाओगे तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, उस पर रिटर्न पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान आप उठा रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी आपका ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो शॉप है वो थोड़ा चालू होना चाहिए, उसके बाद ही आप स्कीम के बारे में सोचना। लेकिन स्कीम एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपका प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और फिफ्थ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मली ग्रॉसरी स्टोर में फूड प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, और फूड प्रोडक्ट्स में आप ऐसे ही नॉर्मली आप क्या बताऊँ आप नॉर्मल 10-20% के एवरेज में रहता है। लेकिन जब आपका शॉप, आप अपने शॉप पे, हो सकता है कि वो आप सामने डिस्प्ले नहीं आ कर रहे हो, लेकिन जो भी अदर्स प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं आपको दिखा के चलूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये नेप्थलीन बॉल्स है या फिर फिनाइल्स है, और भी कई तरह की प्रोडक्ट्स होते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सारा प्रोडक्ट्स जब आप इंक्लूड करोगे अपने शॉप पे, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा तो सेल होता नहीं है, लेकिन आपका ओवरऑल एवरेज सेल को थोड़ा, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा बढ़ाएगा। तो ये है एक ग्रॉसरी स्टोर का प्रॉफिट मार्जिन। मैंने जितना हो सके आपको मेरे अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया, और आप लोग क्या चाहते हो किस तरह की मैं वीडियो और भी बनाऊं, और थोड़ा मुझे कमेंट करो ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मैं समझने की कोशिश करूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।